नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई भावुक बातें भी कही। पिता की मौत के बाद उन्होंने कहा कि बेशक पिता की मौत तो पहले हो गई, लेकिन असल मायनों में अनाथ मैं आज हुआ हूं। 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे। पूरा समय मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, एक महीना 35 दिन का समय, ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का, वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद मैं उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। इस मौके पर चिराग पासवान ने होली इस बार का कैसा रहा वो भी बताया। कहा कि इस बार की होली तो बिल्कुल ही अलग थी। जब पिताजी साथ थे तो उस दौर एक अलग तरीके से हम होली मनाया करते थे। जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। इसके अलावा चिराग पासवान ने बीजेपी से अपने संबंधों पर भी दबी जुबान में कुछ इशारे तो किए। उनसे पूछा गया कि क्या अब भी आप हनुमान हैं और नरेंद्र मोदी राम हैं, क्या आपने अपने राम से मदद मांगी, तो इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। परिवार और पार्टी की लड़ाई जो है वो सार्वजनिक मंच पर आ गई है। रोज नई नई बयानबाजी हो रही है और उसी कड़ी में आज चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रहा, जिसमें चिराग पासवान ने आज आकर अपने हिस्से की पूरी कहानी बताई। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।